तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं आज टेंशन में क्यों हूँ, तो मैं आपको वजह बताता हूँ। तो गाइस कल मैं जा रहा हूँ घूमने, और ये इतना बड़ा सिटी देख रहे हैं आप, इस ये तो मुझसे भी बड़ा है और मैं इसको लेकर जा नहीं सकता वहाँ पे, और मैं अपने सीपीयू को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता अकेला। तो गाइस मैंने सोचा इसके लिए कोई डिवाइस मंगाया जाए, तो मैंने एक डिवाइस तो ढूँढा जिसका नाम है रसबरी पाई, और मैंने उसका ख़रीदा है मॉडल 4G 8GB रैम वाला। और गाइस उसके आते हैं बहुत सारे वेरिएंट, जैसे कि 8GB रैम, 2GB रैम एंड 4GB रैम। तो गाइस आपने सुना कि वो इतना बड़ा होगा, आपने सोचा कि वो इतना बड़ा होगा, तो नहीं, वो होता है बहुत छोटा, लगभग मेरे हाथ से भी छोटा। तो गाइस मैंने उसे ख़रीद लिया और कल वो आने वाला है मेरे घर पे, तो मैं उससे आगे की वीडियोस बनाऊंगा। तो गाइस आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो गाइस रसबरी पाई होता है एक छोटा सा सीपीयू जिसको अंदर होता है बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि उसमें ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो एकदम विंडोज़ 10, उसमें मैं विंडोज़ 10, मैक ओएस और उबंटू और बहुत सारे ऐसे ओएस डाउनलोड कर सकता हूँ। तो गाइस कल वो आएगा, मैं हूँ बहुत एक्साइटेड, और उसमें मैं सबसे पहले सीखूँ वापस से स्टार्ट करूँ। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे गेमिंग की वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, तो आप हैं बिल्कुल गलत। तो मैं अब से गेमिंग वीडियोस भी बनाऊंगा और आपको टेक्निकल स्ट्रांग भी करूंगा, इससे आप दोनों चीज़ों में स्ट्रांग होंगे, गेमिंग और टेक्निकल चीज़ों में, दोनों में। तो गाइस मैं आपको दे रहा था इंट्रोडक्शन रसबरी पाई के बारे में, तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। रसबरी पाई एक मिनी सीपीयू की तरह होता है जिसमें आप कोडिंग कर सकते हैं, और हल्की फुल्की हैकिंग जिससे आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं वो कर सकते हैं, और उससे आप बहुत सारे उसके IoT कोर के भी नॉलेज दे सकता हूं। तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आपको IoT कोर की नॉलेज दूं या नहीं दूं, और मैं आपको और इससे बना सकते हैं आप नॉन स्मार्ट टीवी को स्मार्ट टीवी और विदा और वाईफाई राउटर और कई तरह की चीज़ें, रोबोट और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस चलो मैं जानते हैं हम, और मैं आऊँगा आपको अगली वीडियो में। तो जय टेक्नोलॉजी, जय गेमिंग।